नागपुर महादेव ऐप की 417 करोड़ की काली कमाई पर देश भर कई राज्यों में ईडी की रेड। नागपुर प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव बुक पर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। देश भर में इस धंधे से जुड़े पैसों का खेल करने वालों की नकदी 417 करोड़ रुपए को ईडी ने सीज कर लिया है। बता दें कि ईडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि कोलकाता, एमपी, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में महादेव बुक की काली कमाई को ठिकाने लगाने वालों पर मनी लॉन्ड्रिंग रकम जो कि 417 करोड़ के करीब है उसे सीज किया गया है और इससे जुड़े हवाला करने वालों पर भी ईडी की नजर है, क्योंकि इसी तरह का मामला नागपुर में भी दर्ज हुआ। पुलिस ये भी खंगाल रही है कि नागपुर से गेमिंग ऐप का काला धंधा चलाने वाले सोंटू जैन के तार महादेव ऐप चलाने वाले सौरभ चंद्रकार से तो नहीं। दो आरोपी के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया जा चुका है। महादेव गेमिंग ऐप के मुख्य अभियुक्त क्रमशः रवि उपल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ पुलिस समेत ईडी ने भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर पड़ताल में जुटी है। अफवाह भी उड़ी थी कि ये एक आरोपी को श्रीलंका में गिरफ्तार किया गया है। रायपुर जिला कोर्ट के विशेष न्यायालय में स्पेशल मजिस्ट्रेट अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में ईडी से जुड़े कथित चार आरोपियों को पेश किया जाएगा। इसमें चर्चित एएसआई वर्मा समेत चार आरोपियों को ईडी ने रिमांड पर लिया था, फिर चारों को जेल में न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस आलिशान शादी समारोह में मेहमान बनकर आए कुछ कलाकारों ने परफॉर्म भी किया। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे कलाकारों अभिनेताओं को हवाला के जरिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान भी किया। हालांकि इसकी जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस शादी समारोह में सिंगर नेहा कक्कड़, सुखविंदर समेत अन्य एक्टर भी शामिल हुए थे। इस आयोजन में शामिल अन्य कलाकारों के नामों का खुलासा हुआ। शादी की पार्टी में शामिल होने वालों में कृष्णा अभिषेक, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, पुलकित सम्राट, भाग्यश्री, सनी लियोनी, भारती सिंह, नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, साहित राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, अली अवराम और अली असगर का नाम भी सामने आया है। नवभारत समाचार विदर्भ ब्यूरो से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। तो नाम भगवान का और काम काले, काली कमाई की हम बात करना चाहते हैं और काली कमाई के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जो महादेव ऐप है, सौरभ चंद्राकर जिसे चलाता था और रवि उपल नाम से जो दो आरोपी जो ईडी की गिरफ्त में है, हम बताना चाहते हैं कि 417 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है ईडी ने सीज कर रखी इनकी, और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में छापे मारे जा रहे हैं। महादेव ऐप से जो बैटिंग यानी क्रिकेट का जो काम किया जाता था, अन्य और भी काम जो है किए जाते थे, जो कि किसी भी प्रकार का जो टैक्स है, जीएसटी टैक्स है, कैप पर लगता है, वो किसी प्रकार का टैक्स जो है सरकार को अदा नहीं किया जाता था। और यह भी हम बताना चाहते हैं कि जो सौरभ चंद्राकर है, उसकी जो शादी हुई थी सऊदी अरब अमीरात में, उसमें करीबन इसने 200 करोड़ रुपए खर्चा किए थे, और 200 करोड़ जो खर्चा किए थे उसमें कई नामी गिरामी बॉलीवुड हस्तियां भी शामिल हुई थी। जो हमें जानकारी मिली सूत्रों के अनुसार, उसमें नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ और कृष्णा अभिषेक के अलावा कई ऐसी प्रमुख बॉलीवुड हस्तियां भी इनके शादी में मौजूद थी। लगातार ईडी जो है महादेव ऐप के जो भी कारनामे उसको सर्च करने में लगी है, और इनका जो काला कारनामा है वो एक अंदाजन सूत्र के अनुसार 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो आप पता लगा सकते कि किस प्रकार से इनका जो काम, जो इनलीगल काम है, वो किस प्रकार से पूरा फल फूल रहा था। गोंदिया, उसके अलावा मध्य प्रदेश के बालाघाट और जो छत्तीसगढ़ रायपुर, इसके अलावा और भी जो सुराग जो है ईडी खोजने में लगी हुई है। उसी प्रकार हम बताना चाहते कि जिस प्रकार नवभारत समाचार ने एक गेमिंग ऐप का भंडाफोड़ किया था, तो उसके भी तार संभावित रूप से सौरभ चंद्राकर यानी सोंटू जैन, जो एक बैटिंग ऐप चलाता था गोंदिया से, और उसमें जो भी का जो उद्योगपति शामिल थे, उसका भी हमने सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल पर ही हम लोग दिखाए थे। तो पुलिस ये भी तफ्तीश कर रही है कि सोंटू जैन के साथ सौरभ चंद्राकर के तो कहीं लिंक नहीं है। इसकी भी तफ्तीश जो है पुलिस विभाग द्वारा, ईडी द्वारा की जा रही है। नवभारत समाचार न्यूज़ चैनल नागपुर से मंथन कुमार के साथ कैलाश सुगंध की रिपोर्ट।